हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयरेस 2.0। हम लोग आज बनाने जा रहे हैं एक होममेड आटा मेकिंग मशीन, वो भी सिर्फ कार्डबोर्ड और एक मोटर का यूज करके। पहले राउंड शेप पे एक कार्डबोर्ड को काटेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से एक बियरिंग को लगाएंगे और बाहर वाले हिस्से को ग्लू और कार्डबोर्ड की मदद से इस तरीके से सील कर देंगे। और एक राउंड शेप का कार्डबोर्ड लेंगे और इसको इस तरीके से एकदम नीचे कर देंगे, फिर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। एक सैंड व्हील लेंगे, ये आपको कोई भी हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाएगा। और एक पीवीसी पाइप को इस तरीके से फिक्स करेंगे। बियरिंग के अंदर अच्छे से फिक्स कर देंगे इसको। फिर से एक व्हील लेंगे और इसको भी इस तरीके से अंदर कर देंगे। फिर और एक राउंड शेप का कार्डबोर्ड लेंगे और इसको अंदर कर देंगे और ग्लू की मदद से चिपका देंगे। फिर और एक बियरिंग लेके इसको एकदम बंद कर देंगे। अब बारी है स्टैंड बनाने का। स्टैंड बनाने के लिए एक एम शेप का कार्डबोर्ड लेंगे और इसके ऊपर एक बड़ा कार्डबोर्ड इस तरीके से फिक्स करेंगे और इसको ऊपर से बंद कर देंगे। फिर एक बड़ा कार्डबोर्ड लेंगे जिसके अंदर पूरा सेटअप रहेगा। स्टैंड को इस तरीके से रखेंगे और चिपका देंगे और व्हील को भी ग्लू की मदद से इस तरीके से चिपका देंगे। फिर एक बड़ा कार्डबोर्ड लेंगे और इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और ग्लू की मदद से चिपका देंगे। ये हमारा ग्रिप बन जाएगा रबर के लिए। एक छोटा राउंड शेप का कार्डबोर्ड इसके ऊपर इस तरीके से चिपका रहे है अच्छे दिखने के लिए। बड़ा कार्डबोर्ड से इस शेप का एक कार्डबोर्ड काटेंगे, ये हमारा कोन बन जाएगा जहाँ से हम लोग गेहूँ डालेंगे। और एक छोटा कार्डबोर्ड लेंगे और इसको इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देंगे। व्हील के ऊपर की तरफ एक होल बनाएंगे जिसके अंदर से गेहूं इसके अंदर जाएगा। होल बन जाने के बाद इसके ऊपर हमने जो कोन बनाया था उसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे और ये हमारा गेहूं के लिए लॉक बन जाएगा जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर हम लोग साइड में एक स्क्वायर शेप का होल बना रहे हैं। फिर एक पाइप शेप की कार्डबोर्ड हमने काट के रखा था और इसको इस तरीके से चिपका देंगे जहाँ से आटा निकलेगा। मोटर को लेंगे और एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर इसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद ऊपर की तरफ बंद कर देंगे। ऊपर की तरफ ड्रिल मशीन की मदद से एक होल बना रहे हैं जिसके अंदर रेगुलेटर रहेगा जिससे हम मशीन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मोटर का रेगुलेटर लिया और इसको इसके अंदर करके नट बोल्ट की मदद से बंद कर दिया और इसके ढक्कन को लगा दिया। मोटर के वायरिंग करने के बाद इसको इस जगह पे ठीक से फिक्स करेंगे और एक रबर लेंगे, रबर को इसमें इस तरीके से फिक्स करेंगे। अब बारी है इसको टेस्ट करने का। ये हमने कोन के अंदर गेहूं डाला, एकदम फिल कर देंगे। अब मोटर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मोटर चालू हो गया और लॉक को हटाने से इसके अंदर से आटा निकालना भी स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगी है। एक लाइक ध्यान से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।